किस प्रकार का जो है पेटी तई तोड़ दी, इसके फिंगरप्रिंट तो ले लिया हाथ लगा लिया ले लिया तो भाई फिलहाल जो है जैसा कि परिजनों ने बताया फोरेंसिक वाले भी जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो मौके की फिंगरप्रिंट जो उन्होंने उठा लिए हैं। इस पे चल सका नहीं पैड पे चल सको जी ये पैड पड़ी बिना पाप्या का आदमी है जी। जुलम कर दिया भाई जुलम कर दिया ये देख लो भाई जमा बेगन इसमें कोई जुल्म कोई बाकी नहीं है भाई। फिलहाल जो है किनाड़ा के अंदर मैं मौजूद हूँ जिला हिसार तहसील उकलाना। रात को जो है यहाँ पे चोरी होगी भाई। फिलहाल जो है परिजन भी मौके पे मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी एक बार अपना नाम बताओ। सरना सिंह नाम जी अपना। जी अपना नवदीप नाम है जी। जी रात को अपने ही मकान में चोरी हुई। हाँ जी अपने मकान में चोरी हुई। अच्छा वो एक बार जगह पर लेकर चलाएं भाई जहाँ से जो है चोर घुसे बताओ। आ जाओ जी चलो एक बार वो जगह जो बताओ और दिखाओ साथ में कि कहाँ से जो है चोरी हुई है और बताने लग रहे हैं परिजन की भाई लाखों रुपए चोरी हो गए और लाखों रुपए का जो है सोना यहाँ से चोरी हो गया है। फिलहाल ये देख लो साइड में धान लग रहे हैं और ये साइड में यहाँ पर नहर जाने लग रही है। किनाड़ा गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ और नहर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में यानी कि अगर हम इस साइड जाऊँ इस हर साइड जाऊँ तो लेफ्ट राइट साइड में है। ये देख लो भाई कैमरा मैन ने कहूँगा भाई वो दिखा रात को। ओहो ये तो जमा जुलम कर रखा है कुकर के देखो है उसके बाद ये आप भी जाग गए थे जी। ये मेरे सगी भतीजे है जो नहर में कई बार पानी दोबारा भी आए जी है बारी थी पर लखेत पानी आ गया साढ़े ग्यारह बारह तो देख के आए है उसके बाद हुई है। अच्छा एड को चोर घुसे हैं एड को कैटी बना दिया। अच्छा कैटी किस पैड भी पड़ी है जी पैड भी है। हाँ तो पैड पड़ी उसकी ये तो जाने की हर आने की पैड है। अच्छा से हाँ रास्ते में भी है जी जो गिल्ला नाका को नहीं अपना जीरी वाला हाँ। उसमें पैर चल रहा है जी। अच्छा उसमें पैर चल रहा है। गल्ला राड भी थी उसके पास। अच्छा राड थी रुम्बा लाले बोल दिया मैं देसी भाषा में उसके बिंदु को जो डोगे के निशान को नहीं होते दुखे तो निशान पड़े है जी। इसके फिंगरप्रिंट तो ले लिया हाथ लगा लिया जी ले लिया ले तो भाई फिलहाल जो है जैसा की परिजनों ने बताया फोरेंसिक वाले भी जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो मौके की फिंगरप्रिंट जो उन्होंने उठा लिए हैं लगभग जो है आधे तो हुए फंस गए हैं। ये देख लो भाई फिलहाल यहाँ का मुआयना दे देता हूँ। ये देखो भाई जो घर के पीछे वाली साइड पर कैमरा मैन ने कहूंगा तस्वीर दिखा ये घर के पीछे वाली साइड है और दूसरी बात दिखा भाई वाली साइड कर दे कैमरा बिल्कुल इसके सामने जो है डाणी है इस साइड भी है डाणी है ये देख लो और इस साइड भी है देख लो बिल्कुल इस साइड आ जाए भाई इस साइड आगे दिखा इस साइड भी चोर की इतनी हिम्मत होगी कि भाई पीछे मकान है और मकान की दीवार भी देख लो नीचे नीचे है कि भाई ऊपर दिख भी सका है अगर ऊपर बैठे मानस ने रात में जोहड़ बैद करता दिखेगा तो आस पास की डाणिया में दिखा कुनी जी ना जी मेरा कौन पेटे उस टाइम वैसे नींद गहरी थी कुछ नहीं पता चला ना जी कुछ नहीं पता। अच्छा पीछे से आए है जी पीछे को आए कहने पीछे से आए है मैंने अगली साइड में कुत्ते बंदरे थे जो कर उसने जाली काटी है हाँ। फिर सामने वाला गेट बंद तो था ही हाँ। भी बंद कर दिया उसको। अच्छा हाँ, तो भाई ताऊ जी ने के बताया है एक बार इस साइड आ जा भाई आगे आ जा इस साइड को जो है यहाँ से घुस कर सामने वाला गेट को बंद करके अंदर से बंद कर दिया ताकि बंदा जो है उस साइड से आकर के खोल ना सके। अगर खोलने की कोशिश करे तो यहाँ से निकल के भाग जावा। चलो एक बार अंदर का जो है अपने तस्वीरें सारी दिखाओगे और आपके दिमाग में होगी बात के तो चोरी होया है सारी बात जो है परिजना तो जान लेवा जल्दी जल्दी आ जाओ जी भीतर इसके नीचे जो है ये उठा नहीं सकते पैड रहने दो जी रहने दो दिखा दो ये पैड भी उसे की है जाने की है। अच्छा ये आने की है ये आने की है ये इस टाइम आया उस टाइम इस पे चल सका नहीं पैड पे चल सको जी ये पैड पड़ी नुकू बिना पाप्या का आदमी है जी अपना पापा को नहीं होता जो पैर के नीचे डोंग सिसका डोंग को नहीं सबत पैर टिक रहा जी सबत पैर टिक रहा है हां सबत पैर। अच्छा चलो इधर अंदर लेके चलो जी मौके की जगह पे परली साइड को बढ़ाएंगे। अच्छा परली साइड को जा सकेंगे हां इस साइड को आ जा भाई आगे हां इस साइड को चले जा कैमरा मैन ने कहूंगा। अच्छा नु बताओ जी कितना के कुछ चोरी है सारी बात तो जी 22 तोले सोना था 22 तोले सोना था आपका आधी किलो चांदी थी। अच्छा 3 लाख कैश था जी परसों ले आए थे जी बणिए आपका घर में चोरी हुई है जी। अच्छा आपका मकान वो सामने वाला ट्रैक्टर खड़ा जी वो दो। अच्छा आज भाई आगे आजा आपके बड़े भाई का नाम क्या है चोरी सत्यवान है जी सत्यवान और सत्यवान का लड़का आगे आजा भाई हाँ सत्यवान का जी दो लड़के है जी दो लड़के है गबरू है हाँ जी ब्याह रखे है शादी शुदा जी एक का नाम प्रवीण है एक का नवदीप है जी।
भाई देख सको हो भाई जुल्म कर दिया चोरी करने वाले ने। किसान बड़ी मेहनत के बाद जो है अपनी धन संपत्ति इकट्ठी करे ताकि जो है अपना रहन सहन सही कर सके। आपने बालकान जो है सूत्री डाल पर डाल सके किस जगह है अड़को। तो भाई एक मिनट में यो काम हो जाए है कितना बड़ा दुखा पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि बहुत मेहनत लागे बड़ी मेहनत जी है मसाय मना जी इतना सौदा दिखाओ अगला ने 1 मिनट लाग गई है जी। हां अगला ने 1 मिनट लाई कोशिश जगह वो है येड़ को इस साइड को दिखा दे भाई जल्दी आ। ये जो है वो कमरा है फिलहाल आपने दिखावांगे ये देख लो भाई सारे जो है देखने लग रहे हैं। अच्छा अंदर आ जाओ जी बोलने वाला जो सा जो सारी बात बताओगा इस जगह पर था यो देख लो भाई सब की मैं खिंडा बंडा रखे है। हां ये लमारी तोड़ दी उसको। अच्छा ये तोड़ रखी है। हां तोड़ रखी जी सारे को देख लोग सारे तोड़ रखे टू जेड सारे बटुए देख लो जी सारी अंगूठियां वाली अपन डब्बी है चैन वाली सारे देख लो चुगर दे खिंडा रखी है। जुल्म कर दिया भाई जुल्म कर दिया ये देख लो भाई जमा बेगन इसमें कोई जुल्म कोई बाकी नहीं है। भाई प्रशासन से एक ही अपील है इन संदिग्ध इन नीच कैस कहा क्योंकि ऐसे नीच मानस जो है एक किसी की करी कराई मेहनत पे एक मिनट में मतलब उसने नष्ट करके सीधा रख भाई सीधा रख। हाँ ये गेट था जो अंदर से बंद कर दिया। अच्छा यो अंदर से बंद कर दिया। बात तो बंद था पहले। हाँ बाहर तो बंद था अंदर लवर लगा दिया जेड को। अच्छा उसको गैठ लगा दी देख ले भाई इतनी शातिरता अगर वो कि मैं कामयाबी हासिल करने में कि मैं लायक बनने में करे तो बिल्कुल हो सका था भाई। ये देख लो इस झांकी में से घुसा जो मैंने बाहर तो दिखाई थी इसमें से घुस कहीं से भी तो लगे इतना बंद कर दिया अंदर दिखाओ जी कितनी बढ़िया देख लो जी पेटी पेटी भी तोड़ रखी है देख लो या कुकर तोड़ी देख लो रूम्बा थक रहा बारी ले जा उसको तोड़ी है रूम्बारी गली तीन ढूंगा पेटी पड़ के तोड़ दी देख ले भैया लोग भी तोड़े पहला गेट गला गेट तोड़या जी ओ पहला शा गेट तोड़या ताला जाग किस तरह नहीं आई क्योंकि खड़का धड़का तो जी नहीं कूलर पंखा चल रहा था। अच्छा हां एक जना एक बंदा तो पति जाड़ा सुत्या था अरे एक बैठक में सुत्या था इनकी मम्मी जा रही है जी दिखाइए भाई एक कैमरा दिए एक तसल्ली तो दिखा दे। ये देख लो भाई फिलहाल ये किनाड़ा गांव की तस्वीरें हैं ये देख लो भाई किस प्रकार का जो है पेटी तई तोड़ दी। अच्छा देख लो कितना बढ़िया सरिया लग गया इसमें मन खूब बड़ा है तोड़ रखी कसूती अड़ा के तोड़ी है तो कमजोर थी यार गला तो टूटे भी कोनी लो भाई और दोबारा पकड़ी कैमरे ने ये देख लो भाई कैसा ये मंजर अपना हम दिखाने लग रहे हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो भाई उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक बार उन लोगों को एक बार कैमरे के सामने ले आना चाहूंगा जी जिसके परिवार में इस तरीके की जो है वारदात खेता में होने लग गई है ये किस प्रकार जो अपने आप सेफ महसूस कर सका। हाँ बस अच्छा पुलिस मौका पे आके तफ्तीश कर गई 112 आई ली फिर उसके बाद थाना वाले भी आए लिए थे। हाँ एक बंदा हो रहा था पुलिस वाले का। अच्छा फिंगरप्रिंट वाले भी आ लिए फिंगरप्रिंट ले लिए। अच्छा हाँ। अच्छा आपने किसी पे कोई शक शक तो जी वही बात सिविल तो किसी शक तो को नहीं जी मतलब कोई नहीं हाँ कोई जी मेरी बात जी लग रही है भी नहीं जी। हाँ आवागमन रहा है को मजदूर आ गया कुआ मिस्त्री आ गया कुआ प्लम्बर आ गया कुआ टैलाना आ गया कुआ फसाड़ा आ गया मतलब अभी तक पुष्टि नहीं कर सकते। हाँ कुआ फिटिंग वाला आ गया किसी मजदूर चार आवे मिस्त्री वाला किसी का छह आवे है। अच्छा आवागमन रहे जी। अच्छा एक बार मैं उन बंदा से मिलना चाहूंगा देखो आप तो भाई हो उनके एक बार उस परिवार ने जो भतीजा छोटा राम राम भाई राम राम जी भाई आपका घर में इतनी बड़ी वारदात होगी आपने मतलब कितनी मेहनत तो जोड़ा होगा भाई वो मैंने तो पूछा ना दिन रात एक करके मैंने 24 घंटे खेत खेत तो ध्यान था। मैंने अगर आप फोन बिक जिंद नहीं भाई अगर आज एक मिनट भाई 10 मिनट में आओगे आधा घंटा कैमरा लाग जिंदा अगर आंदे आंदे भी इतना काम में जुटे रहे। हाँ बस पूछो ना आंख भी आंधी कर रखी मामला मैं तेरी आंखें देखने लग रहा था कहने आ रहा भाई एक बार शामी आगे दिखाई भाई की आंख भी जो है लाल हो रही है फिलहाल देख लो जिस पर इतनी बड़ी जो है समस्या बीत जावे। अच्छा पुलिस वाले ने कुछ आश्वासन दिया भाई पुलिस वाले तो कहने लायक रहे थे भाई करांगे माल तो दे देंगे टोका दे देंगे। अच्छा जो ये बाहर पैडा के निशाने मिले हैं उन तक ये कुछ पुष्टि हो पाओगी पुष्टि बोल रहे थे भाई कर देंगे जून सी मान ले आगे चढ़ जाए किसी के फिंगरप्रिंट चढ़ गए नहीं उससे आप पुष्टि लोकेशन लिख जाएगी पुष्टि हो जाएगी उस तो पता लग जाएगा जो आ रहा होगा दूसरी एक बार है नहीं भाई जी उन साथियों से मैं बात करना चाहूंगा जो कि यहाँ पे फोरेंसिक वाले आए हुए हैं फिंगरप्रिंट लेने के लिए एक बार वो बात करने के लिए अगर राजी होता है एक बार उनको बुला लो ठीक है मैं इतने यहाँ पर बातचीत 5-4 मिनट जो भाई जी 5-4 मिनट रुक जाते हैं। ये वो कमरे के हालात दिखा दो भाई।